हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल अनाकी फॉर फ्रीडम में बहुत स्वागत है। आज हमारे रिटर्निंग गेस्ट जुड़े हैं हमारे साथ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको कंटिन्यूसली लाके और उनके विचार सुनने के लिए, क्योंकि वो इंडिया में एक ही है जो ऑस्टिन इकोनॉमिक्स एकेडमिकली सिखाते हैं कि कैसे सरकार के बिना सोसाइटी कैसे चल सकती है। तो ये वो कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आज हम मधुसूदन राज जी के साथ जुड़े हैं। मधुसूदन, कैसे हो आप? लंबा समय हो गया आपसे बात। हाँ हाँ योहान, काफी लंबा समय हो गया है। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? ग्रेट ग्रेट, बहुत काम चल रहा है यहाँ पे। तो अभी थैंक आई नो आप बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है यू। जो भी आप कर रहे हैं। वही सब बातें हम आज करने वाले हैं। तो मैंने अशोक पटेल जी के साथ वीडियो किया है चैनल पे, तो हमने वैक्सीनेशन और उसका विरोध कैसे करना है उसके बारे में बात कर ली। बट आई वाज थिंकिंग के मधुसूदन ने एक ब्रिलियंट आर्टिकल लिखा था, कुछ समय हो गया उसको, तो मैं वेट कर रहा था उनसे बात करने के लिए, बट फाइनली आज मौका मिला है। तो उन्होंने आर्टिकल लिखा है इस विषय पे कि कैसे अगर हम इसकी लॉजिक एनालाइज करने जाए तो जो हमारे सोसाइटी के भी आज जो नॉर्म्स है उनके बेसिस पे भी ये वैक्सीन मैंडेट नहीं कर सकते, और एक्चुअल लॉजिक अपनाने जाएंगे और नेचुरल राइट्स की बात करने जाएंगे तो बिल्कुल वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस आर्टिकल को मैंने सोचा चलो लेट्स मेक अ वीडियो ऑन इट और इसके बारे में हिंदी में चर्चा करेंगे। तो अगर इफ देर आर एनी इंग्लिश व्यूअर्स वॉचिंग, यू कैन ऑब्वियसली गो एंड रीड द आर्टिकल, बट हिंदी दर्शकों के लिए हमने सोचा कि इसको थोड़ा ट्रांसलेट करके इसका मीनिंग समझाए ताकि इंडियन लोगों के लिए रेलिवेंट लगे। तो पहले मधुसूदन जी आर्टिकल में बात करते हैं यूटिलिटेरियन व्यू की, मतलब अगर ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो रहा है कुछ तो वो ठीक है, वो ग्रेटर गुड के नाम पे कर सकते हैं। तो हम हाउ शुरू शुरू वहां से करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर मधुसूदन जी हमें बताएंगे कि वो आर्ग्यूमेंट भी कैसे खड़ी नहीं हो सकती मैंडेटरी वैक्सीन के टॉपिक पे, स्पेशली कोरोना वायरस के अभी की बात कर रहे हैं हम। राइट, सो जो बेसिक प्रिमाइस के बेस पे ये लोग वैक्सीन को फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर, मैंडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंडेटरी मतलब वो जबरदस्ती की जाएगी, तो वो पब्लिक हेल्थ का आर्गुमेंट है। तो और पब्लिक हेल्थ में बेसिकली वो बात करते हैं लार्जर पब्लिक गुड की। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी बाहर, सो इट इज नो लॉन्गर, आई नो ये इंडिविजुअल चॉइस के बारे में नहीं है कि हमें हुआ है कि नहीं हुआ है। आर्ग्यूमेंट ये करे जा रहे हैं कि अगर हम इन्फेक्टेड है और अगर हम बाहर जाते हैं पब्लिक प्लेस में, तो किसी और को लग सकता है। और क्योंकि सरकार वो जो पब्लिक है उसको बचाना चाहती है, इसलिए वो हमें फोर्स करेगी वैक्सीन लेने के लिए। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको समझने के लिए कि ये कितना फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है, हमें पब्लिक गुड और पब्लिक क्या है उसका हमें डेफिनेशन देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर कोई भी हमें साइंटिफिक डिस्कोर्स करना है, अगर हमें लॉजिकली आर्ग्यू करना है, तो हमें जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब अगर पब्लिक की बात करेंगे तो जनरली हम लोग क्या मानते हैं? वैसे ये जो पूरा पब्लिक हेल्थ या पब्लिक की बात चलती है उसमें कोई उनका कोई डेफिनेशन क्लियर कट नहीं होता है। वो बात करते हैं लार्जर पब्लिक गुड की। अब मैं लार्जर बाद में लूंगा, पर हम पहले देखते हैं कि पब्लिक क्या होता है। तो जनरली हम और आप जानते हैं कि पब्लिक मतलब आप और मैं। अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में 140 करोड़ लोग जो हैं, 138 करोड़ लोग जो हैं, वो पब्लिक का हिस्सा है। तो अब इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि ये पब्लिक को बचाने के लिए उसी पब्लिक के मेंबरों को वो फोर्स करेंगे ये वैक्सीन लेने के लिए उनकी मर्जी के खिलाफ। तो ये बात तो बिल्कुल गले उतरने वाली है नहीं। अगर आप और मैं उसी पब्लिक का हिस्सा है जिसको ये सरकार बचाने की बात कर रही है कोरोना वायरस से, तो वो ही सरकार हम दोनों को या जिसने हमारे जैसे लोग हैं जो ये वैक्सीन को फोर्सफुली लेना नहीं चाहते, उनको वो कैसे फोर्स कर सकती है ये वैक्सीन लेने के लिए? तो ये तो वही बात हो गई को हमको बचाने के लिए वो हमको पहले मारेंगे। तो ये तो पूरा लॉजिकल कॉन्ट्रोडिक्शन हो गया, राइट? के पब्लिक को बचाने के लिए पब्लिक के किसी एक सेगमेंट को फोर्स किया जाएगा, तो पब्लिक का हिस्सा आप और मैं नहीं है क्या? राइट, अगर फॉर एग्जाम्पल डीमोनेटाइजेशन में भी ये लोग यही कहते थे कि देश के लिए करना है। अच्छा, तो जो 120 लोग बैंकों की लाइन में खड़े रह के मर गए, वो क्या इस देश का हिस्सा नहीं थे?
वो भी इस देश का हिस्सा थे, और अगर हमको वैक्सीन दिए जा रही है फोर्स से हमारी मर्जी के खिलाफ, तो वो गलत है, बिकॉज हम भी उस पब्लिक का हिस्सा है। तो हमें बचाने के लिए, हमें मारने की बात तो बिल्कुल गले उतरने वाली है नहीं। तो ये पहली बात हो गई कि पब्लिक हेल्थ के हिसाब से इसको फोर्स किया जाएगा, तो वो आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल स्टैंड नहीं करता है। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट वो लोग करते हैं कि लार्जर पब्लिक की हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए। तो अब लार्जर की कोई डेफिनेशन नहीं है। जैसे अगर हम बोलेंगे लार्जर, तो हम सवाल पूछेंगे कि कितना लार्ज, 138 करोड़ में से अगर कितने लोगों को इसका खतरा है कोविड होने का और मर जाने का, तो हम वैक्सीनेशन, फोर्स वैक्सीनेशन, मैंडेटरी वैक्सीनेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं? तो वो नंबर उनके पास कोई नहीं है। मेजॉरिटी अगर हम हिसाब से जाएंगे कि 51 और 49 का नंबर पकड़ेंगे, तो भी करीबन 50-60 करोड़, 70-80 हज़ार करोड़ से ऊपर का नंबर जाता है। तो अब यहाँ पे हमें कोविड का खतरा कौन से ग्रुप को है उसको देखना पड़ेगा। तो सरकार बेसिकली लार्जर पब्लिक की बात करिए, मतलब पब्लिक वाला चला गया, पब्लिक तो हम तुम है, तो एक सेगमेंट ऑफ पब्लिक है उसको बचाने के लिए दूसरे सेगमेंट को फोर्स करने की बात कर रहे हैं, और वहां पे लार्जर की बात आ रही है। तो कितना लार्ज है जो जिसको खतरा है? तो यूके में ब्रिटिश जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करी है 1.7 मिलियन, 17 लाख लोगों का सैंपल लेके, कि कोविड जो है, जो कोरोना वायरस जो है, उससे कौन से ग्रुप को सबसे ज्यादा खतरा है। तो उनकी रिसर्च के हिसाब से, और वो पेपर मैंने अपने आर्टिकल में लिंक किया हुआ है, उस पेपर के हिसाब से, रिसर्च पेपर के हिसाब से, ओल्ड मेल जो हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटी फैक्टर्स हैं, मतलब ओल्ड हैं, मेल हैं और उनको ऑलरेडी बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, एस्थमा हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ये जितने भी ओल्ड मेल इन डिजीज के साथ है, इन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। और उस ग्रुप में भी जो मोर्टालिटी रेट है वो कुछ 15-20% जितनी होगी। इसका मतलब कि अगर आप ओल्ड हो, मेल हो और ये बीमारियां हैं और आपको कोरोना हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% मरने वाले हो, उसमें भी आपके मरने के चांस कुछ 10-15% है। बाकी की तो मोर्टालिटी रेट ओवरऑल देखें तो खाली 0.1% ही है, अगर हम वर्ल्ड वाइड डेटा देखेंगे असिम्प्टोमेटिक जितने भी हैं उसका। तो इंडिया में अब सवाल ये उठता है कि 138 करोड़ में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे यहाँ खाली 6% लोग हैं जो ओल्ड एज हैं, जो 60 के ऊपर हैं। आप जानते हो कि इंडिया का डेमोग्राफी काफी यंग है, इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और काफी पॉलिटिशियन लोग बोस्ट करते रहते हैं कि ये यंग लेबर फोर्स है तो इसका हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा, राइट? तो 6% में से, और उन्होंने बोला रिसर्चरों ने कि फीमेल को ज्यादा खतरा नहीं है, जो ज्यादा मर रहे हैं वो मेल है, ओल्ड मेल है। तो अगर हम सेक्स रेशियो के हिसाब से इक्वल भी कर दें, वैसे सेक्स रेशियो हमारे यहाँ स्क्यूड होता है, राइट? लड़कियां कम होती हैं लड़कों के ऊपर, 1000 लड़कों के ऊपर, बट एनीवे हम 50-50 लेते हैं, तो भी 3% पॉपुलेशन ओल्ड है, मेल है। अब उसमें से ये बीमारी वाले कितने हैं, वो उससे भी कम होंगे। तो अगर हम पकड़ के चलते हैं कि वो 1-2% ऐसे लोग हैं जिनको इस बीमारी से खतरा है, तो ये 1-2% की जान बचाने के लिए वो 98% लोगों को कैसे फोर्स कर सकते हैं? तो लार्जर पब्लिक जो हेल्थ की बात आ रही है, तो लार्जर पब्लिक हेल्थ तो 98% लोगों की है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 2% को हमें मार देना है, जो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हम वैक्सीन के खिलाफ है या हम मास्क के खिलाफ है, इसका मतलब हम अपनी दादी माँ को मार देंगे। ऑब्वियसली ये बात में कोई दम नहीं है, हम जरूर चाहेंगे अपनी दादी माँ को बचाना, और उसको बचाने के लिए हमको, हम जानते हैं उनको कैसे करना। अब जिस ग्रुप को इनको आइसोलेट अगर करना ही था तो ये ग्रुप को करना था, पर उसकी जगह पे उन्होंने सबको लॉकडाउन में डाल दिया, राइट? इन ग्रुप को साइड में करते, जैसे स्वीडन ने किया है, उनको वॉलेंटरीली बोलते हैं फैमिली मेम्बर्स को कि आप ध्यान रखिए इन लोगों का, और बाकी के लोग अगर बाहर जाते तो हर्ड इम्यूनिटी कब की आ गई होती, और हर्ड इम्यूनिटी आ गई होती तो फिर ये लोगों को भी, ये जो वल्नरेबल ग्रुप है उनको भी कोई खतरा नहीं रहता। तो पूरी बात ये है कि ना तो पब्लिक हेल्थ का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे काम कर रहा है, ना ही लार्जर पब्लिक हेल्थ का आर्ग्यूमेंट काम कर रहा है। तो यूटिलिटेरियन का जो, यूटिलिटेरियन एथिक्स का जो आर्ग्यूमेंट है, वो तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो अब अगर हम नेचुरल एथिक्स के हिसाब से देखें,
ऑब्वियसली उसके कोई पहले भी आदमी, जाए तो मैं हाँ मेरी आई जस्ट श्योर शेयर माय थॉट्स, तो मेरे विचार है इस पर। श्योर तो आप यू स्पोक अबाउट द ग्रुप हुज एट रिस्क, जो ग्रुप रिस्क में है, पर मेन मेरे एनालिसिस से जो रिस्क फैक्टर्स आए वो है लो विटामिन डी लेवल्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस, इनको बोलते हैं, ये इनकी जड़ पे है। और ऑब्वियसली जो हमने मोर्टालिटी रेट की बात की, तो 0.1 से अंदर जो ऑफिशियल फिगर्स आ रहे हैं, पर अगर उसको हम एज से एडजस्ट करेंगे तो अंडर लाइक 50 और 60 तो मोर्टालिटी रेट तो एकदम गिरी जाती है। तो ओवरऑल यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट के इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, और उनको भी मतलब स्पेक्ट्रम है ना, वो मतलब दे कैन ऑल्सो, वो लोग भी चीजें कर सकते हैं टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। ऐसा नहीं है कि मतलब वो रिस्क में है तो सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बचाना, वो भी चीजें कर सकते हैं, यू नो डिफरेंट थिंग्स दे कैन डू टू फिक्स देयर हेल्थ। सो वो आर्ग्यूमेंट स्टैंड नहीं करती। यस आई एग्री विद दैट, यू कैन गो टू द नेचुरल राइट्स आर्ग्यूमेंट। राइट सो नेचुरल लॉ तो यही कहता है कि हम किसी को बचाने के लिए किसी का नुकसान नहीं कर सकते। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि यू कैन नॉट रॉब पीटर टू पे पॉल, मतलब अगर मुझे सोशल वेलफेयर करना है तो मैं तुम्हारी जेब काट के तो किसी को पैसे दे नहीं सकता हूँ। तो अगर मुझे किसी की हेल्थ बचानी है तो वो मैं किसी और का हेल्थ खराब करके उसको वैक्सीन फोर्सफुली देके उसकी विशेष को किल करके तो मैं कर नहीं सकता हूँ। तो अगर हम नेचुरल राइट्स की बात करें तो फोर्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैंडेटरी वैक्सीनेशन का आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल भी स्टैंड नहीं करेगा व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरल एथिक्स, और वही सरकारों को लागू होता है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें, हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जाते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि सरकार जो है वो हमारे गॉड गिवन नेचर गिवन जो राइट्स हैं उसकी रक्षा करने के लिए बनी हुई है। और अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कोई अधिकार नहीं देता है, यूहान अधिकार हमें ऊपर वाले ने कुदरत ने ऑलरेडी दिए हुए हैं हमें बना के। अब कॉन्स्टिट्यूशन की सपोजिटली इसलिए रचना की गई थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन इन अधिकारों की रक्षा करे, बट अगर हिस्टोरिकल देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली बनाया गया है सरकारों को लिमिट करने के लिए, ना कि वो रूल हमारे लिए है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो रूल बनाए हैं सरकारों को उनकी हद में रखने के लिए, बिकॉज जब जब स्टेट बना था, जब राज्य बना था, तो उसके पास भयंकर पावर है और ये नेगेटिव पावर है। उसका इस्तेमाल वो लोग नेगेटिव चीजों के लिए कर सकते हैं, पॉजिटिव चीजों के लिए जैसे ये टीका लगाने वाली बात है उसके लिए तो वो कतई नहीं कर सकते हैं। तो जिन्होंने बनाया सिस्टम उनको डर था कि इतना सारा पावर हम 30 लोगों के हाथ में दे देंगे, थोड़े बहुत लोगों के हाथ में, तो वो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि सरकार क्या 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 नहीं कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन कतई ही नहीं कहता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, वो होता है सरकार क्या नहीं कर सकती है। और उसको वही चेंज तो करते हैं वेल अमेंडमेंट्स लाके। वो फिर हम किसी और दिन बात करेंगे मिनिमम गवर्नमेंट की और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो बनाया गया था सरकार को छोटी रखने के लिए, एक एक एक, एक लिमिट में बांधने के लिए, कि कैसे वो जो सिस्टम बनाई गई थी वो हमने देखा है हिस्टोरिकली कि वो काम नहीं कर रही है, तो वो किसी दिन और बात करेंगे। पर मैं मेन स्ट्रीम आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी जाते हैं तो वो भी उन्हें कोई अधिकार नहीं देता है हमें जबरदस्ती टीका लगाने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं कर रहा हूँ, अगर न्याय की बातें चल रही है, डिमांड ये हो रहा है कि जस्टिस होना चाहिए, राइट, सबकी हेल्थ सुरक्षित रहनी चाहिए। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने बोला था कोई भी आदमी कोविड से नहीं मरना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, और ये आप ज्यादा अच्छे से दूसरे प्रोग्राम में बताते रहते हैं कि ये जो वैक्सीन दी जा रही है ये कितनी खतरनाक होती है, ये वैक्सीन जो है कोई सेफ नहीं है, 100% सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। हम देख चुके हैं हिस्टोरिकली भी कि वैक्सीन की वजह से कितने सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आप अपने प्रोग्राम्स में बताते रहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये पोलियो वायरस की जो है वैक्सीन, उसकी वजह से कितने दूसरी बीमारियां लोगों में फैली हुई है, बच्चों में फैली हुई है। तो क्या हमें सरकार ये गारंटी देगी अगर वो हमें फोर्स करती है वैक्सीन लेने के लिए, तो क्या हमें गारंटी मिलेगी कि क्या ऐसे पहले कायदे बनाए जाएंगे कि अगर कोई भी आदमी वैक्सीन लेने के बाद मरता है या उसे हेल्थ के कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो जो सरकार के जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं जो बैठे हुए हैं, फिर वो प्रधानमंत्री हो या फिर वो हेल्थ मिनिस्टर हो या कोई भी हो, फिर या फॉरेन का कोई आदमी हो, ये कंपनियां हैं दवाइयां टीके बनाने वाली, क्या उनको फांसी पे चढ़ाया जाएगा?
अगर मैं मर जाता हूँ अगर वैक्सीन लेने से, तो जस्टिस डिमांड करता है कि मुझे टीके देने वाले जो कंपनी है, जिसके डायरेक्टर हैं और जो सरकार ने मुझे फोर्स किया है, उनके अधिकारियों को भी फांसी पे चढ़ाया जाए। जान के बदले जान इज द नीड ऑफ एन आवर, जब हम जस्टिस की बात करते हैं। तो क्या सरकार ऐसे कायदे पहले लाने वाली है लोकसभा में, राज्यसभा में? क्योंकि ये सरकार तो मेजोरिटी में है, तो क्या नरेंद्र मोदी एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल करके कोई ऐसा बिल साइन करेंगे कि ये कंपनी ने अगर नुकसान करा तो हम उनको फांसी पे चढ़ा देंगे? अगर ये करते हैं तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि चलिए ठीक है, फॉर फॉर आर्ग्यूमेंट से हम मान भी लेके आप करो, राइट। बट जैसे आपने बहुत अच्छे से एक्सपोज करा है और आप करते रहते हैं, ये जो यहाँ पे जो कंपनी आ रही है वैक्सीन बनाने के लिए, उनको ऑलरेडी उन्होंने इम्यूनिटी दे दी है। मतलब कि अगर ये कंपनी हमें टीका लगा रही है और अगर हमें कुछ हो जाता है तो हम उन कंपनियों के खिलाफ केस भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कहाँ का न्याय हुआ? ये तो बिल्कुल ही अन्याय की बातें हैं। नहीं, और ये तो मेन स्ट्रीम आर्ग्यूमेंट करने के लिए ठीक है, पर अगर इस पे दर्शक थोड़ा और ध्यान भी देंगे तो अगर इन्होंने कॉट लगवा भी दिया तो भी ये नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कहना इसके समान है कि अगर बेसिकली मुझे किसी को मारना गलत है तो उसके लिए हमने अगर कॉट बना लिया और अगर उसके लिए कंपेंसेशन हो गया तो मारना लीगल हो जाएगा। ये सेम आर्ग्यूमेंट वैक्सीन में आती है कि अगर चलो किसी को नुकसान पहुंच गया और उसके लिए क्लेम्स दे सकते हैं तो इट इज लीगल टू वैक्सीनेट। ये दिस इज अ वेरी फ्लॉड आर्ग्यूमेंट, सरफेस पे ही दिखता है। राइट राइट सो पर क्योंकि हम लोग मेन स्ट्रीम के हिसाब से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बिकॉज जो हम और आप बात करते हैं नेचुरल राइट्स की, एथिक्स की, वहां तो ये सब मुद्दों का सवाल ही पैदा नहीं होता है। पर ये वो जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, तो हम उन एक्सक्यूजेस को अभी चेक कर रहे हैं लॉजिकली कि क्या वो एक्सक्यूजेस सही है कि नहीं। एंड हम जैसे देख रहे हैं कि करके के उनके जितने भी सारे आर्ग्यूमेंट है वो सारे फ्लॉड हैं, बिल्कुल साउंड नहीं है, बिल्कुल अनसाउंड है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें एथिक्स की बात नहीं है, उसमें कोई जस्टिस नहीं है। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि अगर वो ऐसा करते हैं तो भी मैं समझूंगा कि ओह चलो उन्होंने कुछ किया, कि दे आर सीरियस, बराबर है। जी ये आई गेट तो दैट, हमें इसलिए मैंने और बोला कि हाँ मेन स्ट्रीम के लिए ठीक है, बट ये जो सिर्फ व्यूअर्स के लिए था थोड़ा उनको और सोचने के लिए। ऑफ कोर्स तो जो भी व्यूअर्स है वो तो आई एम श्योर इतना तो लोग जानते ही है ना कि जबरदस्ती कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता है, राइट योहान? मैंने जैसे बोला कि मैं आपका भला किसी और की जेब काट के नहीं कर सकता हूँ, इस बात पे कोई आर्ग्यूमेंट सिविलाइज समाज में, सभ्य समाज में होना ही नहीं चाहिए। आज हमको ये बातें करनी पड़ रही है, ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है, इसका ही मतलब ये है कि हमारा समाज कितना डिटोरिएट खराब हो चुका है, हमारे वैल्यूज कहीं भी नहीं है, राइट? कि लोग इतना ब्लेटेंटली बात कर रहे हैं कि हम आपको फोर्सफुली टीका लगा लेंगे। मैं आज आपको आज अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। दोपहर को मैं जब काम कर रहा था तो दरवाजे पे नॉक हुआ, मैंने खोला तो एसएनसी का कोई लड़का खड़ा था, ऐसे ही सिविल ड्रेस में था, उसने कोई यूनिफॉर्म भी नहीं पहना था। तो मैंने ऐसे, वो सर्वे के लिए आते, तो मैंने कहा 3 जने हैं और मैं दरवाजा बंद कर रहा था। उसने बोला नहीं नहीं सर रुकिए। मैंने कहा अब क्या हुआ? बोलते आपने कोविड का टेस्ट करवाया? मैंने कहा नहीं करवाया। बोले आपको करवाना पड़ेगा। मैं तो आई वॉज लाइक, मैंने उससे आर्ग्यूमेंट नहीं किया बिकॉज उसको मैं बता के क्या करता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन भाई करना पड़ेगा? मैंने कहा हमें नहीं करवाना है, राइट? अगर हमें कुछ होगा तो हम अपने हिसाब से, मैंने खाली ऐसा बोला अब नहीं कराना है, थैंक यू बोल के दरवाजा बंद कर लिया। तो अगर ये हद तक बात पहुंच चुकी है इस देश में के लोग आके इतनी हिम्मत के साथ हमें कह रहे हैं सिविलियंस को, राइट, जिनकी रक्षा करने का जिम्मा सपोजेडली मेन स्ट्रीम आर्ग्यूमेंट के हिसाब से सरकारों के पास है, तो वो हमें आके बोल रहे हैं कि आपको करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से लोगों को जागना पड़ेगा कि ये इस देश में क्या हो रहा है, राइट? तो जबरदस्ती करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पर अगर वो आर्ग्यूमेंट, ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, वो कोर्ट में अगर हम जाते हैं और वो सभ्य समाज की कोर्ट है, सिविलाइज सोसाइटी की कोर्ट है, तो वहां पे ये बातें हम करेंगे। अगर अगर हमारी सरकारों ने ठान ही लिया है कि उनको गुंडागर्दी करनी है, राइट, और उनको बस जबरदस्ती हमारे साथ करनी है और उसको जस्टिफाई करने के लिए क्यों आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो फिर हमें ये सारी बातें हटा के हमें भी रोड पे उतरना पड़ेगा फिर, कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं तो एक्सक्यूज मी, आप हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। आप अगर ढंग से बात करेंगे, लॉजिक से, तो हम करने को तैयार है।
और अगर आपको जबरदस्ती करनी है, पॉलिटिकल पावर को आप अब्यूज ही करने वाले हो, तो फिर हमें भी अपना स्टांस चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम ये सारे आर्ग्यूमेंट देखते हैं, और जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी का है, इकोनॉमिक वेलफेयर का है, तो जो इकोनॉमिक्स जो जानते हैं साइंस को, मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स, वो जानते हैं कि सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर का क्राइटेरिया क्या है। हम उसको पैरेटो ऑप्टिमालिटी कहते हैं। विल्फ्रेडो पैरेटो करके एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये क्राइटेरिया बनाया था, और ये सब मानते हैं, सारे इकोनॉमिस्ट मानते हैं, थियोरेटिकली तो मानते ही हैं, राइट? अपनी प्रैक्टिस में वो नहीं करते, वो उनका दोगलापन है। बट एनीवे, उसके हिसाब से इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर तभी हो सकता है जब हम किसी का भला करें, किसी का नुकसान ना करके। तो अब ये क्राइटेरिया के हिसाब से भी सोशल वेलफेयर का जो क्लासिक क्राइटेरिया है इकोनॉमिक्स का, कि वी कैन नॉट यू नो मेक समबडी बेटर ऑफ बाय मेकिंग समबडी वर्स ऑफ, वो भी यहाँ फुलफिल नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हम किसी की जान सपोजिटली बचाने के लिए लोगों को जबरदस्ती टीका लगाएंगे, तो वो क्राइटेरिया भी यहाँ पे वायोलेट हो रहा है। तो चारों क्राइटेरिया के हिसाब से, यूटिलिटेरियन हो या एथिकल हो या कॉन्स्टिट्यूशनल हो या फिर इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर का क्राइटेरिया हो, ये आर्ग्यूमेंट जबरदस्ती रस्सी टीका लगाने का बिल्कुल खड़ा नहीं रहता है योहान। और मैंने जैसे बोला, अगर उन्होंने ठान ही लिया है तो ये तो फिर ब्लेटेंट अब्यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर है, और उसके खिलाफ फिर कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं चलेंगे, उसके खिलाफ फिर मेरे ख्याल से लोगों को रोड पे ही उतरना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही। तो मैं एक लास्ट चीज एड्रेस कर देता, आपने कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात की, तो आई डोंट नो इफ यू हर्ड दिस और नॉट, बट यूएस में एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर है एलन डर्शोविट्स करके, उसने एप्सटीन, जेफरी एप्सटीन को भी रिप्रेजेंट किया था, पर उसकी आर्ग्यूमेंट थी कि अगर वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव होता है देन द स्टेट कैन मैंडेट इट। तो पहली बात तो लाइक यू राइटली सेड, वैक्सीन सेफ नहीं होते और एफिकेसी का भी, वैक्सीन काम बस उनके लिए करते हैं कि आपके शरीर में इन्होंने वैक्सीन दे दी और एंटीबॉडीज बन दी, इफेक्टिव का वो मतलब होता है। इफेक्टिव का मतलब ये नहीं होता है कि वो फिर उनको फॉलो करते और देखते कि उनको फिर जिसके लिए इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन दिया था उसको हुआ कि नहीं हुआ, वो सिर्फ एंटीबॉडीज देखते, वो इफेक्टिव का मतलब है। तो एक्चुअली इफेक्टिव भी नहीं है, और सेफ्टी के लिए ऐसी कभी स्टडीज होती नहीं है। सेफ्टी अगर डेमोन्स्ट्रेट करना है तो अनवैक्सीनेटेड ग्रुप तो कंट्रोल में होना चाहिए उनके स्टडीज में, ये कभी होता नहीं है। वो स्टडीज में ऑलवेज कंट्रोल ग्रुप है जिसको कंपेयर कर रहे हैं वैक्सीनेटेड के साथ, उनको या दूसरा पुराना वैक्सीन दिया जाता है या कोई एडजुवेंट दिया जाता है एल्यूमिनियम का या वैसे, तो वो साइड इफेक्ट्स मास्क हो जाते हैं, और वो स्टडीज भी काफ़ी छोटे टाइम के लिए रहती है। तो कोरोना वायरस के लिए हमें वैसे ही पता है कि ऑलरेडी वैक्सीन को 5 से 10 साल लगते डेवलप होने के लिए, पर ये कुछ महीनों में बन रहे हैं। अभी ये लोग कह रहे हैं कि इतनी जल्दी से बन रहे हैं क्योंकि बिल गेट्स भाई को पता था कि इतने सालों से वैक्सीन आने वाली है, तो उसने कंपनियां फंड कर दी और वो लोग काम कर रहे हैं। ये सच है। एक्चुअली गेट्स ने 2017 में सेपी करके एक बॉडी फाउंड की थी, और उसका कार्य यही था कि फ्यूचर में जो एपिडेमिक्स आएंगे उसके लिए जल्दी जल्दी वैक्सीन बनाने के लिए ये डीएनए और आरएनए वैक्सीन का वो लोग मतलब यू नो दे वर फास्ट ट्रैकिंग। तो ये लोग आज वही बोल रहे हैं कि इनको इतनी जल्दी मतलब इतनी जल्दी बन रहे हैं क्योंकि इनको पता था और इन्होंने फंड किया और वी हैड द रिसर्च रेडी बिहाइंड। तो ये एनिमल ट्रायल पूरी तरीके से स्किप किए हैं, ह्यूमंस पे जा रहे हैं, और जो स्टडीज भी हुए अभी जो हमने लगने वाली है इंडिया में जो लगने वाली है एस्ट्राजेनेका का टाइप है पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ, तो उसके ट्रायल में हम देख रहे हैं कि लोगों को पैरासीटामोल और मेडिकेशन दिए जा रहे हैं साइड इफेक्ट्स को कवर अप करने के लिए, ट्रायल के बीच में, ट्रायल के एंड में भी नहीं, इन द मिडल ऑफ द ट्रायल ये लोग ऐसी चीजें दे रहे हैं। तो सेफ्टी की तो धज्जियां उड़ा के रखी है, कुछ सेफ्टी मतलब डेमोन्स्ट्रेट करना है तो पॉसिबल ही नहीं है। और नए टाइप्स के वैक्सीन भी आ रहे हैं, डीएनए आरएनए वैक्सीन आ रहे हैं जो हमारा डीएनए चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे मतलब सेफ एंड इफेक्टिव का तो सवाल खड़ा ही नहीं होता। तो मेरा आपसे सिर्फ ये एकेडमिक क्वेश्चन है कि अगर वैक्सीन कोई सेफ एंड इफेक्टिव होता तब मैंडेट हो सकता है? नहीं, तभी भी नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो जबरदस्ती कभी नहीं कर सकता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हम जाते हैं मेन स्ट्रीम आर्ग्यूमेंट के हिसाब से भी, तो सरकार का काम है हमारी जान माल और उसकी रक्षा करना। अब हमें जबरदस्ती करके वो कैसे रक्षा करेंगे? जैसे एक जन जैसे आपने मना कर दिया तो बात वहीं खत्म हो गई, फिर आपके ऊपर वो जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर उन्होंने वो जबरदस्ती की मतलब वो आपकी बॉडीली प्रॉपर्टी को वायोलेट कर रहे हैं, क्योंकि जबरदस्ती करेंगे मतलब आपको उठा के ले जाएंगे, फिर आपको टीका लगाएंगे, आप मना कर रहे हैं तो जबरदस्ती की बात फिर यहाँ पे आती है, वो फिजिकली अब्यूज किया जाएगा।
ठीक है, तो वो तो फिर वो जिस काम के लिए सरकार को बनाया गया है वो काम ही वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर किसी भी कोर्ट में तो इसको डेफिनेटली कभी भी प्रूव नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है जो जबरदस्ती को कभी भी जस्टिफाई कर सकता है। हाँ, अगर वो लॉजिक को ट्विस्ट करेंगे, टर्न करेंगे, उल्टा पुल्टा तोड़ मरोड़ के रख देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को खाली एक पीस ऑफ पेपर बना देंगे तो बात अलग होती है, पर फिर ऐसे समाज में फिर सभ्यता की तो बात ही नहीं रहती है, फिर वहां पे तो आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं होता है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे लिबर्टी ओरिएंटेड है, तो उसमें कहीं नहीं लिखा है कि पब्लिक हेल्थ के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ये वाला आर्ग्यूमेंट कहाँ से आता है मुझे समझ में नहीं आता है किसी कॉन्स्टिट्यूशन। और मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए नहीं बना है, वो सरकारों को काबू में रखने के लिए बना हुआ है। तो एकेडेमिकली भी अगर आप देखेंगे तो सरकार के पास कोई अथॉरिटी नहीं है ये सारी चीजें हमारे ऊपर फोर्स करने के लिए, सरकार के पास कोई अथॉरिटी है ही नहीं, राइट? अगर किसी को सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस समझना है तो वो अमेरिकन लॉयर जो थे, जो जूरिस्ट थे, लाइसेंडर स्पूनर, उनकी वो आर्ग्यूमेंट पढ़ सकते हैं कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। बिकॉज पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन बनाता था सरकारों को काबू में रखने के लिए, और अगर वो सरकार को काबू नहीं रख सकता है तो फिर उसके पास कोई अथॉरिटी पावर नहीं है, तो फिर हम उसको क्यों माने? तो जिस चीज के लिए वो बनाया गया था उसको बनाने वाले ही उसको अब्यूज कर रहे हैं, तो फिर तो उसको मानने का सवाल ही नहीं होता। जब वो ही नहीं मान रहे तो फिर हम क्यों माने उसको? तो डर्सोविस का ये जो आर्ग्यूमेंट है कि सेफ है, राइट, तो उसके वजह से उसको मैंडेट कर सकते हैं, तो ये तो दिस इज नॉट ट्रू, राइट? मैं कह रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो जबरदस्ती फोर्स कोर्जन को जस्टिफाई कर सकता है, वो जी, नहीं और कर ये लोग सकता है। बेसिकली जो केस लॉ के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, आई डोंट नो आपने सुना होगा, पर ये जेकबसन वर्सेस मैसाचुसेट्स की बात करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका में एक केस था जहाँ पे किसी ने पोलियो, आई थिंक स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन रिफ्यूज किया था, और उसको ये लोग यूज करते रहते हैं कि पहले इन्होंने केस में, मतलब प्रेसिडेंट बन गया तो अभी ठीक है, पर वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि जिस बंदे ने वैक्सीन रिफ्यूज किया था उसको फोर्सफुली वैक्सीनेट नहीं किया गया था, उससे फाइन लिया गया था, तो भी छोटा सा एकदम, एंड उसको फोर्सफुली वैक्सीनेट तो कभी किसी को किया नहीं है केस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के हिसाब से, तो वो भी पूरी मिसरिप्रेजेंटेड आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं लोग बेसिकली। राइट, सो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट भी कोई भगवान नहीं है, ठीक है? आज की तारीख में अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यही कि ऐसे वर्डिक्ट के थ्रू उन्होंने स्लोली उसको खत्म कर दिया है। और जैसे हम तो जानते ही हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक कू था, राइट, कि कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ नहीं होता है, बट वो आर्ग्यूमेंट अगर हम नहीं भी करें नहीं, तो मेरे हिसाब से तो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन इविल पेपर है, क्योंकि वो चोरी को जस्टिफाई करता है, इट मेक्स टैक्सेशन। राइट सो मैं वही कह रहा हूँ कि जो सिस्टम पूरी फोर्स के बेस पे बनी हुई है वो खुद ही जस्टिफाई नहीं अपने आप को कर सकती है। तो ये तो ऐसा ही हो गया कि गुंडे, डाकू, बदमाश लोग आके हमें जबरदस्ती टीका लगाने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनके सामने सिविलाइज आर्ग्यूमेंट लेके बैठे हुए हैं, बिकॉज उनके इंटेलेक्चुअल जो बॉडी गार्ड्स हैं वो ये सब बातें करते रहते हैं नाइसिटी के लिए है। मेरे ख्याल से जितना सिचुएशन डिटोरिएट हुआ है, मैंने जैसे कहा है कि पॉसिबली अब इन सारे आर्ग्यूमेंट का कोई स्कोप रहा नहीं है, मेरे ख्याल से लोगों को रोड पे ही उतरना पड़ेगा और इसका एक्टिवली विरोध करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप क्या नहीं कर सकते हो हमारे साथ। अदरवाइज अगर इनको खुला दौर दे दिया गया तो ये डेफिनेटली उस पॉलिटिकल पावर को अब्यूज करेंगे जो उन्होंने हमसे ले ही लिया है। वैसे इलेक्शन भी कोई चॉइस नहीं होती है, राइट? अगर आप और हम जैसे इंसान ऐसा से इलेक्ट करना चाहेंगे, हमें कोई सरकार नहीं चाहिए, तो उसका हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो लोगों को यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कि जैसे आपने बिल गेट्स की बात की, और मैं हमेशा आपको ये याद दिलाता रहता हूँ, कहता रहता हूँ कि बिल गेट्स प्रॉब्लम नहीं है। बिल गेट्स अगर अच्छा इंसान भी होता, चलिए मान लेते हैं कि वो ईवल नहीं है और उसके दिल में गरीबों के लिए बहुत दया भावना है और वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को मदद करना चाहता है, ये सारी चीजें मान लेने के बाद भी ये कतई जस्टिफाई नहीं कर सकते कि बिल गेट्स ये सरकारी पावर का, फोर्स का इस्तेमाल करे उसके आइडियाज, उसके विचार हमारे ऊपर थोपने के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि बिल गेट्स अगर बहुत अच्छा इंसान भी है, फिर भी वो सरकारी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता है,
उसके विचार हमारे ऊपर थोपने के लिए। तो बिल गेट्स और टॉनी फाउची या जितने भी टेक्नोक्रेट हैं या जितने भी अनइलेक्टेड ये लोग जो सरकार में काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक ही आर्ग्यूमेंट हमारा है और वो रूट का आर्ग्यूमेंट है, फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट है कि वो जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट के फोर्स का पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर बिल गेट्स को कुछ करना है लोगों के लिए अच्छा, अगर वो वाकई में ऑनेस्ट है और उसके इंटेंशन अच्छे हैं, तो वो वॉलेंटरीली कर सकता है, वो लोगों के पास जाके उनको समझा सकता है कि ठीक है मेरी दवाई लेना अच्छा है और आप अच्छे हो जाओगे, आपको लेना हो तो लो वरना मत लो। वो इस तरह से सरकार के पास जाके उनसे ये बोल नियम लॉ पास करा के कि अगर किसी को कुछ हो गया तो मुझ पे केस नहीं कर सकते, ये सीधा बताता है कि वो उसके इंटेंशन अच्छे नहीं है, वो एक 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 ईवल आदमी है, क्योंकि कोई भी भला आदमी होगा वो किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करेगा। ऐसे ही हमारे स्टेट के पावर को यूज मिसयूज करते हैं ना, क्योंकि हमने वैक्यूम बना दिया है पावर का, और फिर ये बिजनेसेस बेसिकली उनका पैसा यूज करते हैं उसको बेसिकली लॉबी करने के लिए। तो ऑब्वियसली किस बिजनेस को नहीं चाहिए कि वो ऐसे ही प्रोडक्ट बनाए और उनको कोई लायबिलिटी होना, और ये लायबिलिटी नेचुरली तो इनको मिल नहीं सकती, ये स्टेट ही दे सकती है उनको। तो फिर वो आई एग्री विद यू, रूट है उसके, जड़ है समस्या का। एग्जैक्टली तो हमारा प्रॉब्लम कोरोना वायरस या कोविड नहीं है, हमारा प्रॉब्लम ये स्टेट पावर है। हमें ये हमें सोचना है कि सरकारों को हमने कब इतना पावर दे दिया कि उन लोगों में इतनी इतनी क्या बोल सकते हैं, ह्यूब्रिस आ गई है, घमंड आ गया है कि वो सोच सकते हैं कि वो किसी को भी जबरदस्ती पकड़ के टीका लगा सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि वो जो चाहे वो हमारे साथ कर सकते हैं, सामने विरोध करने वाला कोई भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है पॉलिटिशियनों को बताने का, स्टेट ऑफिशियलों को बताने का कि रुकिए भैया आप ये सब नहीं कर सकते हैं, आपको ये सब करने के लिए वहां पे नहीं रखा गया है, राइट? तो लोगों को अब ये जागना पड़ेगा, बिकॉज जब तक लोग नहीं जागेंगे तब तक ये करते रहेंगे उनको जो करना है। वो देख रहे हैं कि सामने बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब वो करेंगे, पर अगर आप रेजिस्ट करोगे तो डेफिनेटली वो दो बार सोचेंगे कि नहीं ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है। और वहां पे आप जो काम कर रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट काम है लोगों को अवेयर करने का, फिर लोग विरोध करें वैक्सीन के नुकसान को लेके, या वो मॉरल पोजीशन ले सकते हैं जो आप और मैं हमेशा लेते हैं कि किसी के ऊपर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो वायरस हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वायरस तो हमारे साथ जब से लाइफ बनी है तब से है, वो हमें कोई नुकसान नहीं करता है, राइट? हमारी प्रॉब्लम है ये इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट, ये जिसको हम गवर्नमेंट भी कहते हैं, ये जो इतना पॉलिटिकल पावर हमने इन लोगों को दे दिया है या उन्होंने ले लिया है हमें उल्लू बना के, ब्रेन वॉश करके, अंधेरे में रख के, प्रोपोगेंडा करके, उसको हमें समझना है और वहां जाग के उसको रेजिस्ट करना है। अगर वो रेजिस्ट कर पाएंगे हम तो ही गुड प्रिवेल करेगा। जितना हम अच्छे लोग हैं वो उसका रेजिस्टेंस करेंगे तभी ये दुनिया बचने वाली है, अदरवाइज इनका बस चलेगा तो जैसे आप भी बताते रहते हो कि बिल गेट्स का जो पूरा एजेंडा है वो तो डीपॉपुलेशन का है। तो अगर वो इतने लोगों को मार देने का सोच सकते हैं तो वो कैसे ये सब मुमकिन है, वो कब ऐसी दुनिया हो गई कि ये इतना कुछ सोचने लगे? तो लोगों को ये सोचना है मेरे हिसाब से, कोरोना की चिंता करना छोड़ दें, ये जो स्टेट पावर इतना बढ़ गया है और ये जो पूरा उसका अब्यूज किया जा रहा है पॉलिटिकल पावर का, उसके ऊपर हमें फोकस करके फिर काम करना होगा और उसके अल्टरनेटिव खड़े करने होंगे अगर इस दुनिया को और ह्यूमैनिटी को बचाना है और हमको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है तो। योहान जी बिल्कुल मधुसूदन, और मैं भी मतलब यही मानता हूँ कि अवेयरनेस इज की, बिकॉज अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि वैक्सीन के रिस्क है, जैसे मतलब काफी समय तक ऐसी स्थिति है कंट्री में दैट इतना परसेप्शन नहीं है, मतलब जो अब्रॉड जो मतलब वैक्सीन स्केप्टिसिज्म का सेंटिमेंट है वो यहाँ पे इतना इंट्रेंच नहीं है, वो मूवमेंट्स उन्होंने काफ़ी काम किया है सालों से वहाँ पे, पर यहाँ पे इतना मेन स्ट्रीम नहीं है ये कॉन्वर्जेशन के वैक्सीन के रिस्क भी होते हैं। और तो हमारे पास कुछ केसेस है जहाँ पे डॉक्टर्स ने विरोध किया है, पोलियो वैक्सीन के टाइम पे कुछ डॉक्टर्स थे, फिर MMR का जो ड्राइव था उस पर अगेंस्ट कोर्ट में एक्चुअली रूल किया गया था। यहाँ पे कोर्ट्स में केसेस है केरला, आई थिंक केरला, कर्नाटका और दिल्ली में, के कोर्ट ने रूल किया है कि द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स द स्टूडेंट्स टू टेक वैक्सीन, फोर्स नहीं कर सकते वो लोग, ये हमारे पास प्रेसिडेंट्स है ऑलरेडी यहाँ पे। तो ऐसे नहीं है कि पूरी कॉन्वर्सेशन एलियन है, बट इसकी अवेयरनेस जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो हमें ऑब्वियसली पहला तो यही काम करना है कि लोगों को अवेयर करें कि वैक्सीन के भी साइड रिस्क है, और अगर उनको कुछ हो गया
तो वो किसी के पास जा नहीं सकते, मतलब दे हैव टू लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट. तो एक बार अवेयरनेस आ गई फिर लोग डिसाइड कर सकते हैं कि विरोध करना नहीं करना ऑब्वियसली. और अगर कोई वैक्सीन में मानता भी है तो उनको मैंडेटरी वैक्सीन के अगेंस्ट मॉरल स्टैंड तो लेना ही चाहिए कि अगर आपको लगाना आप लगाओ, बट आप किसी पे अपने व्यूज फोर्स यू कर रहे हो. आप आपको लगता है कि आप सिर्फ सरकार का जो पावर है उसको यूज करोगे तो वो इविल नहीं है, ऐसा नहीं है. वो पावर को, फोर्स को अगर आप यूज करोगे सरकार का हो या आपका हो, वो हमेशा गलत होता है. तो उसका हमें हमेशा विरोध करना चाहिए. तो मधुसूदन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद. और प्लीज दर्शकों को बताइए वो आपका काम कहाँ पे ढूंढ सकते हैं. तो योहान, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, मीजेज इंडिया इंस्टीट्यूट, जहाँ पे मेरे आर्टिकल मैं पब्लिश करता रहता हूँ। मीजेज इंडिया की यूट्यूब चैनल भी है, तो उसको भी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, जो आई एम श्योर आप अपने लिंक में डाल देंगे, तो वहाँ पे भी मैं अपने पर्सनल एनालिसिस जो है वो रखते रहता हूँ रेगुलर पीरियड में। सो ये कुछ जगह है जहाँ पे लोग मेरा काम फॉलो कर सकते हैं। और सूरत में हम इंस्टीट्यूट हमारा बेस्ड है, और हम यहाँ पे फिजिकली वर्कशॉप चलाते हैं इकोनॉमिक्स पे और लिबर्टेरियनिज्म पे। तो नवंबर में जैसे हमारा लिबर्टेरियनिज्म 101 का वर्कशॉप आ रहा है, तो किसी को समझना है कि ये फ्रीडम की पूरी फिलॉसफी क्या है, लिबर्टेरियनिज्म क्या है, तो वो सूरत आके वो वर्कशॉप अटेंड करके इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। हम दूसरे वर्कशॉप इकोनॉमिक्स पे भी चलाते हैं, और हो सके कोरोना वायरस नहीं होता तो हम ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स का भी कोर्स लॉन्च करने वाले थे, तो वो अब हो सकता है हम अगले साल करेंगे। पर वो कोर्स अभी मैं जिस डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे अगर किसी को करना हो तो कर सकते हैं आप। अब ये सारे फिजिकल कोर्सेज हैं तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। जी सो ये बिल्कुल, सारे जगह है, या यहाँ पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं दर्शकों को एनकरेज करूंगा कि प्लीज उनको जाके फॉलो कीजिए और उनको जितना सपोर्ट कर सकते हो करिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद. अगर आप इस काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो और अपने भाइयों बहनों तक पहुंचाओ, ताकि वो भी जान सके कि एक्चुअल कंडीशंस क्या है, हमारी आज चल रही है और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं. आपका देखने के लिए बहुत धन्यवाद. गुड नाइट. Good night, Johan. If you like my work and you want to support me, please consider signing up on my Patreon or Float account, where you could support me with monthly donations and receive certain benefits for the same, like early access to my videos, asking me questions, bi-weekly Indian news put into context, and a lot more. You could also support me via Bitcoin or UPI. The details have been put in the description box below. I'm only supported by my viewership and don't take any money from vested interests. So if you want to support independent media and conspiracy research in India, please consider helping me out. No sum is too small. Thanks.